हेलो फ्रेंड्स। तो जिस चीज़ का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार था वो अब उसकी पोस्ट आ गई है। UPSSC जूनियर इंजीनियर फोरमैन ऑनलाइन फॉर्म अब आ चुकी है। इसकी नोटिस 26 अक्टूबर यानी कि आज ही आई हुई है। ठीक है, तो अब चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं, इसके पोस्ट उस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा, मतलब हम लोग ऑनलाइन कब से कर सकते हैं। तो जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो 30 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका लास्ट डेट है 30 नवंबर, मतलब टोटल आपको एक महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो जिसको जिसको भी आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, 30 तारीख तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पेमेंट के बारे में, जो फी कितना लगेगा। तो यहाँ पर जनरल के लिए 225 रुपया रखा गया है और SC ST के लिए 105 रुपया रखा गया है। ठीक है, जनरल के लिए कितना रखा गया, 225 रुपया, और SC ST के लिए 105। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में। तो टोटल जो वैकेंसी है हमारा वो 1477 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें कुछ बात करते हैं कि किसका किस में कितना पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए। तो इसका जो एज लिमिट है वो 21 से 40 तक होने चाहिए और इसका टोटल पोस्ट है 111। इसका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले दोनों भर सकते हैं जो मैकेनिकल वाला में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मात्र 4 पोस्ट है। ठीक है, और कंप्यूटर वाले में 4 पोस्ट है, और जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं जूनियर सिविल इंजीनियर में, उसमें आपका है 272। इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, या तो आप बीटेक भी है तो भी आप भर सकते हैं। अब आते हैं जो मैकेनिकल और सिविल तीसरे पोस्ट, इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 40 है। ठीक है, अब इसमें दोनों में 9 और 84 करके है। इसमें आपका सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आती है जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए, वो आपके जो एज लिमिट है 21 से 40 है। इसमें आपके पोस्ट है 80। ठीक है, तो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। सेम उसके बाद आते हैं जूनियर इंजीनियर वाटर सप्लाई वालों के लिए। ठीक है, तो इसका जो एज लिमिट है 21 से 40, टोटल पोस्ट 111। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों में डिप्लोमा, किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आता है जो प्रिंटिंग वालों के लिए, JEE वाला प्रिंटिंग में, इसके बहुत कम ही सीट है बट अच्छी है, 6 और 7 इसमें है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। फिर सेम उसी तरह इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर सिविल उसी तरह सब में है। ठीक है, आप इसको देख ले ध्यान से। ठीक है, तो जिसको जिसको भी आपको ऑनलाइन करना है वो आप कर सकते हैं। कब से, तो ये आप 30 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं, और जो आपका पेमेंट का भी 30 नंबर ही रखा गया है। फिर आपका आता है करेक्शन वाला। तो करेक्शन का जो लास्ट डेट रखा गया है उस 7 दिसंबर तक है, मतलब आप 30 नवंबर तक तो भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसमें अगर कुछ आपका गलत हो गया तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो करेक्शन का डेट है वो आपका 7 दिसंबर तक है। ठीक है, तो आप बस वेट कीजिए और कुछ दिन का, उसके बाद आप उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है।